अरे नहीं पादा यार, अरे पादा है यार, अरे नहीं पादा यार, अरे पादा है यार, मैंने देखा है, झूठ बोल रहा है, अरे नहीं पादा यार, नहीं पादा, सोच ले, नहीं पादा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ टाइगर, सच सच बता दे तूने पादा है ना, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा मैंने क्या देखा। अरे नहीं पादा यार। अबे अगर नहीं पादा तो ये क्या है? आज से गुड्डू का चैप्टर खत्म और गणपत का चैप्टर शुरू। How excited are you for Ganpat? I'm most excited about Ganpat because it's a very very different इंटरव्यू लेने वाले ने ये बोल दिया कि टाइगर क्या तुम्हारी पिक्चर डिफरेंट है, तो इसने हाँ में हाँ मिला दी, हाँ डिफरेंट है। उसने पूछा कैसे डिफरेंट है, तो भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसके दिमाग के धोला हुआ मैं जाम लग गया ये एक बार भैया। तुम और मैं तो क्या ही डिफरेंस बताएंगे इसकी पिक्चरों में, इसको अंदर ही अंदर झांट खुद नहीं पता कि इसकी गणपत में और इसकी बाकी की टट्टो के कैंसर जैसी फिल्मों में फर्क है तो है क्या। डिफरेंट टाइगर श्रॉफ, गणपत टाइगर श्रॉफ की बाकी फिल्मों से उतनी ही डिफरेंट है जितना डिफरेंट है एल्विस यादव का सिंगिंग टैलेंट उसके फैंस के मेंटल आईक्यू से। द वर्ल्ड दैट विकास बेल हैज क्रिएटेड इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अरे बेगमपुरा के ब्रूस ली, जिस वर्ल्ड क्रिएशन की इस पिक्चर के अंदर तू बात कर रहा है ना, वो वर्ल्ड क्रिएशन मुश्किल से मुश्किल विकास बहल ने दो समोसे एक केला एक चाय एक पेटा और शेयर्ड ऑटो से आवन जावन का किराया देकर 12वीं फेल इंटर्न से कराया है, वो भी MS पेट 2023 के ट्रायल वर्जन पर। आई वॉच ऑल माई फिल्म्स इन सिंगल स्क्रीन्स बिकॉज आई गेट सर्टेन रिएक्शंस। ना टाइगर, तेरे को थिएटर जाके देखने की जरूरत नहीं है कि तेरी पिक्चर देखते हुए लोगों का क्या रिएक्शन होता है, मैं तेरे को दिखा देता हूँ ये रिएक्शन होता है। जग्गू दादा बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपने बचपन में अपनी बेल्ट को चूम के टाइगर में पेली होती ना वो बेल्टें, तो आज ये लौंडा गरम तवे पे भुनते हुए जीरे की तरह यहाँ से वहाँ लोटे नहीं खा रहा होता, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता। हम अपने बच्चे को तो अपन पसंद करेगा, अच्छा हो या खराब। अब यहाँ तो जग्गू दादा ने शर्मो शर्मी में बोल दिया अपना लौंडा पिक्चर बढ़िया, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो आग बबूला हो रहे हैं। घर पहुंचते ही टाइगर को हत्थे चढ़ा के ना उसके कंगफू कराटे का ना पीट पीट के लिज्जत पापड़ बना देना है। करण, अगर एक बारी को तुम ये झूठ भी बोल देते ना कि तुमने रणवीर सिंह के साथ सेक्स नहीं करा तो मैं वो भी मान लेता, लेकिन गणपत अच्छी पिक्चर है। सेक्स, हाय गाइस, मैं उशांतनु। अब मेरे से देखा नहीं जाता टाइगर पे होता हुआ ये अत्याचार, ये लड़का एक्टर नहीं है, ये जिम वाला है। चार दंड बैठक यहाँ, 8 सपाटे वहाँ, 12 कलाबाजी वहाँ, खाता अच्छा लगता है ये बेचारा, इसको कैमरे के पीछे क्यों जबरदस्ती खड़ा कर रखा है। ही इज पैशनेट अबाउट लोटे, लोटे खाना अच्छा लगता है उसको, एक्टिंग नहीं। 2021 में भी हमने अर्जुन कपूर की जस्टिस के लिए एक लड़ाई लड़ी थी कि वो बंदा एक पैशनेट हलवाई है एक्टर नहीं, और उसी लड़ाई के चलते आज उसकी पिक्चरें कम से कम आ रही हैं और उसका पूरा ध्यान समोसे कचौड़ी तलने में है। तो टाइगर को एक्टिंग से हटाओ, जिम में घुसाओ, जस्टिस मूवमेंट का एक भाग बने और कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में #justiceforTiger छोड़ते जाएं। जो जो ये कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएगा उसको टाइगर अपने नए जिम में पहले 3 महीने 25% ऑफ और भंगड़ा जुम्बा की क्लासेस फ्री, और ये है ऑनेस्टली सही। सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले बात करते हैं इस पिक्चर में की गई इंस्पिरेशन के नाम पे दिन दहाड़े चोरी की। अमिताभ बच्चन का ये लुक हूबहू एक बहुत पुरानी फोटोग्राफ से चोरी है। ये चूतिया सा लोहे का कुत्ता जो इन्होंने पिक्चर में बनाया है वो भी इन्होंने चोरी किया है 2018 की एक हॉलीवुड फिल्म AXL से। फिल्म में एक कैरेक्टर है शिवा, वो अंधा है और उसके अंधेपन का चश्मा तक इन्होंने चोरी कर लिया मैड मैक्स के चश्मों से। ये गंडमरा सा उड़न खटोला जो तुम पिक्चर में देखोगे इसका डिजाइन भी चोरी किया गया है बैटमैन के बैट प्लेन से। मैक्सिमम फाइट सीन्स पिक्चर के अंदर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस शॉट बाय शॉट चोरी करे गए हैं अनडिस्प्यूटेड से। सारा जमाना इस पिक्चर का पार्टी ट्रैक है वो सुनो, ये गाना भी बीट टू बीट चोरी करा गया है अल्लू अर्जुन की 2016 में एक फिल्म आई थी और गाने का नाम है प्राइवेट पार्टी सॉन्ग। अबे इतनी चोरी करने के बाद इस पिक्चर का नाम गणपत नहीं वर्ल्ड ऑफ चोर बाजार होना चाहिए था। इस पिक्चर में इतनी जेब गतरी होते देख मेरे को यह लगा कि विकास भाल ने यह पिक्चर नरेट कैसे करी होगी टाइगर श्रॉफ को। हाँ हेलो टाइगर, हेलो,
हाँ आवाज आ रही है। अबे भागना बंद करेगा ट्रेडमिल पे तो आवाज आएगी ना, पिक्चर करेगा, स्क्रीन प्ले की टेंशन मत ले। हाँ और बाकी सीन कैसे होंगे कैसे, और किसी चीज की टेंशन लेने की तेरे को जरूरत नहीं है। मैंने हर जगह से क्या क्या चोरी हो सकता है पॉसिबली सब कुछ चोरी कर लिया है। और मैंने ना भैया नेपाल सिक्किम से ना 3-4 लोग बुला लिया, उनको बोलेंगे ये चाइनीज है शाओलिन वाले, तो उनको थपेड़ दियो ठीक है, घुसड़ पेल कर दियो, उनके बाल बूल खींच दियो, तो तेरे को शाओलिन वाला मास्टर बना देंगे टाइकोंडो का, डन है, आ जाइयो कल बढ़िया। अरे स्क्रीन प्ले स्टोरी टेलिंग की तो तुम भीड़ को छोड़ो, ये बताओ पहले ये डिस्टोपिया भेंचोद हो कहाँ रहा है इस पिक्चर के अंदर? आधे में लड़कियां फिनलैंड पोलैंड आइसलैंड से, आधे में रजौरी गार्डन की लड़कियां, बीच में सिक्किम नेपाल के लोग आ जाते हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। अबे कौन सी कंट्री में हो रहा है ये डिस्टोपिया? तो प्यार होने में कितना टाइम लगता है? पिक्चर में गरीब लोगों के पास पानी पीने को तो छोड़ो, टट्टी करके चूतड़ धोने के लिए पानी नहीं है, उनके पास दुनिया जान की सारी प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिखाया उन्होंने, अखाड़ा बना लेते हैं, इसमें लड़ेंगे, हमारा योद्धा इसमें से निकलेगा, ये करेगा वो करेगा। अबे खाली पेट लड़ोगे किससे, खाली बर्तनों से? एक दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा। पिक्चर में अमीर वर्सेस गरीब है, अमीर है तो बुरे ही होंगे, बुरे होंगे तो रात को नाइट क्लब में जाएंगे, नाइट क्लब में जाएंगे तो उस नाइट क्लब का नाम क्या होगा, सोचो सोचो, डर्टी पीपल नाइट क्लब। मैं आखिरी वार्निंग हूँ। एक शॉट में गुलाटी कुमार को भूख लग जाती है तो वो मोमो खाने चला जाता है। अब पिक्चर के लॉजिक के हिसाब से मोमो है तो वो कहाँ मिलेगा, चाइनीज रेस्टोरेंट में, चाइनीज रेस्टोरेंट में कौन काम करते होंगे, चाइनीज। अब वो चाइनीज हैं तो उन्हें क्या आता होगा, सोचो सोचो, कुंग फू कराटे। बॉर्डर के इस पार अमीर है, उस पार गरीब है, अभी चूतियों ने सोचो क्या करा, अमीरों में जितनी भी लड़कियां तुम्हारे को दिखेंगी 99% लड़कियां गोरी हैं, और गरीबों में जितनी 99% लड़कियां दिखेंगी वो हिंदुस्तानी लड़कियां। यार इतनी चूती कैसे, अपनों के लिए लड़ता है। यूजुअली पिक्चरों में क्या होता है, डायलॉग दिमाग लड़ा के लिखे जाते हैं, लेकिन नहीं, ये टाइगर श्रॉफ का डिस्टोपियन वर्ल्ड है, यहाँ पे तसल्ली बख्श तरीके से अपना लंगोट ढीला करके नीचे करके उसको डायलॉग कागज पे हगे गए हैं। रॉकी बेल्बो का ये बहुत फेमस डायलॉग याद है, But it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit. And keep moving forward. अब इन छठी भेलों ने इकट्ठा होकर अपना 250 ग्राम दिमाग लड़ाया इस डायलॉग पे, इसको तोड़ा मरोड़ा और इसको ये बना दिया। मैटर नहीं करता कि तुम कितनी मार खा सकते हो, मैटर ये करता है कि तुम कितनी मार खा के खड़े रह सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये तो रॉकी बैल्बोआ से कॉपी कर लिया। वाह टाइगर, हाई फाइव दे दे, आ जा। पिक्चर की कहानी बहुत बढ़िया, बहुत औसम और बहुत ही सिंपल सी है, और वो ये है कि भैया पूरी की पूरी पिक्चर डिवाइडेड है, दो दुनिया है, एक अमीरों की है एक गरीबों की है। अमीरों ने चूतड़े धपेड़ रखी है गरीबों की, गरीब कह रहे हैं भाई हमारी चूतड़े मत धपेड़ो, हम डबल टोन दूध पीने वाले आदमी, हमारी क्यों गैंड लेके रखी हुई है तुमने, तो तुम अपना काम करो हम अपना कर रहे हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता, गरीबों की गैंड में कुछ मिर्ची लगती है, वो एक वो बना लेते हैं अपना एमएमए रिंग बना रहे हैं, बहनचो खाने के लिए रोटी नहीं है, वो एमएमए रिंग बना लेते हैं, एमएमए रिंग बनाने के बाद बहनचो फिर पता नहीं गणपत कहाँ से आ जाता है, पता नहीं उधर से इधर आ जाता है, इधर से उधर चला जाता है। कृति सेनन आती है, फिर उसको ट्रेनिंग देती है कि तू भैया शाओलिन का मास्टर कार्ड बन जा, ऐसे कर लियो वैसे कर लियो, वो ये वाला कर लियो, वो उछलता है फिर यहां से नीचे वहां से नीचे, चार 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 छज्जों से यहां से वहां कूद जाता है, पर फिर वहीं से अमिताभ बच्चन आ जाता है, एक आंख से दिख नहीं रहा, पता नहीं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बट तुम्हें क्या करना है कहानी का, तुम्हें पिक्चर देखनी है क्या? डिस्टोपिया हो गया, जैसे हमारे को दुनिया के बारे में पता है वो बर्बाद हो गई, डिस्टोपिया हो गया, बुआ जवान हो रखी है पूरी की पूरी दुनिया की, लेकिन गाड़ियां अभी भी वही ब्रांडेड चल रही हैं। अबे अगर अगर दुनिया ही खत्म हो गई जैसी हमें पता थी तो वो गाड़ियां कहां से आई? इतने गंदे CGI, इतने गंदे VFX, इतनी वाहियात एक्टिंग, सबकी वाहियात एक्टिंग है पिक्चर के अंदर, मतलब अच्छे एक्टर से भी इन्होंने इतना गंदा काम करा लिया। टाइगर श्रॉफ अच्छा एक्टर नहीं है, इतना गंदा काम करा लिया मंजे हुए अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों से, और को-स्टार भी है कुछ ऐसे जो जिनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि भाई हमारे को अपने बिल भरने हैं इसलिए हम इस चोद भंगले के अंदर आकर नाच रहे हैं। ये पिक्चर देखने के बाद दो चीजें मुझे बहुत क्लियर हो गई हैं। पहली ये कि टाइगर श्रॉफ ढंग की पिक्चरें साइन करना ही नहीं चाहता, हीरोपंती बागी 13, 14, 15, 17, 1001, ये सारा का सारा कबाड़ उसको पता है, हर पिक्चर में वही होता है उसकी, और इस पिक्चर में भी वही हो रहा है। और दूसरी चीज है कि ये वाली पिक्चरें देख कौन रहा है, इनका 200-200 करोड़ रुपया तुम इस पे लगा देते हो ये टट्टी पेशाब पे, और फिर इसका रिकवरी कहां से हो रही है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है भाई, क्या है ये पिक्चरें बनवा रहा है बैक टू बैक एक जैसी दिखने वाली, जैसे लोग बॉडी बना के नई नई बॉडी बना लो तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, फोटोशूट कराते हैं, उनको अच्छा लगता है देखने में अपनी बॉडी को, इसके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है तो इसके पापा अफोर्ड कर सकते हैं तो भैया ये पूरी पूरी पिक्चर बनवा लेता है, और फिर उसी में देख के खुश होता रहता है अपने आप को, क्योंकि इसको आई एम प्रीटी श्योर इस पिक्चर में या फिर किसी भी और पिक्चर में देख के कोई भी कभी भी खुश नहीं हुआ है। तो भैया ये था मेरा रिव्यू गणपत का।
रखा बेकार में गणेश जी को इसमें इन्वॉल्व कर रखा। भैया गणेश जी भी तेरे को ऐसा शराब फेंक के मारेंगे ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अब तेरे से डबल राउंड हाउस किक नहीं लगेगी। तो भैया ओवरऑल ये पिक्चर मुझे कैसी लगी कैसी नहीं लगी उससे लेना देना नहीं है ये, क्योंकि ये पिक्चर नहीं है, ये जिमनास्टिक की क्लास है। इसके जिम के सेशन चल रहे हैं हर पिक्चर के अंदर। एक्टिंग इसको टके के भाव नहीं आती। यहाँ से वापस लुटवा लो लोटिया करवा लो, और यहाँ से वो एक लड़की की कमर में हाथ डाल के बोल रहा है मेरा नाम गुड्डू है, मेरा नाम बबलू है, लड़की भी कह रहे तू चूतिया है, और वो दिखता भी है भैया पिक्चर के अंदर। देयर इज नॉट वन थिंग इन दिस फिल्म दैट्स मेमोरेबल और दैट इज वर्थ वॉचिंग। भैया मुझे करो माफ, ये था मेरा रिव्यू गणपत का। अभी 24 घंटे नहीं हुए, मेरे को डायपर बदले राज कुंद्रा के, अब इसकी टट्टी साफ करो आके टाइगर की। भैया मुझे माफ कर दो, अच्छी लगे पिक्चर देख लेना, ना लगे भैया जो करना करो इस पिक्चर के साथ, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। नेटफ्लिक्स पे आएगी, जितना भी कबाड़ दिखता है नेटफ्लिक्स कबाड़ी वाले की तरह निकलता साइकिल लेके, वो भर लेता कि हम तुम्हारे को हम दिखाएंगे यहां पे यहीं पे आ जाएंगे। लेकिन काला पानी भी आया है नेटफ्लिक्स पे, वो देख लेना, काफी बढ़िया शो है। मैं उसका रिव्यू करने वाला था, कर नहीं पाया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ गया था, लेकिन मेरे पास उसका स्क्रीनर आ गया था, बहुत अच्छा शो है, जाके देखना। अगली वीडियो में मिलते हैं अगर मैं बचा तो, क्योंकि अभी मेरे को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है। तब तक के लिए मामा मियां लजान्या पप्पी बाय बाय। टट्टी पे सांप, इसलिए हम इस चोद बंगले के अंदर आकर नाच रहे हैं।